अरे भैया, कैसे करोगे? हाँ तो भैया, आप सभी को हमारे देसी न्यूज चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स की, जहाँ के लिए कहा जा रहा है कि ओलंपिक वाले ने सभी खिलाड़ियों के सोने के लिए इस बार गत्ते के पलंग बनाए थे। हाँ भैया, तुम्हारे कान ठीक हैंगे भैया। गत्तंते बनाए जा रहे थे पलंग। सबसे पहले जे बात पॉल कलिमो, जो कि एक खिलाड़ी होता है, बा ने ट्विटर पर शेयर करी। ओलंपिक्स वालन ने कही कि भैया, पलंग को गत्तंते इसलिए बनाया हुआ है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने जय भी कही कि जय पलंग 200 किलो तक का भार झेल लेगो। और खेल खत्म होने के बाद इन सब पलंगन ने कागज की चीजन में बदल दिया जाएगो। अब भैया, हर जगह जय लहर चल गई कि इस बार खिलाड़ी ने गत्तेन के पलंग पर इसलिए सुलाया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे के साथ सो ना सकें। और इन पलंगन ने एंटी सेक्स बता रहे हैं। लो कर लो बात भैया। मुझे तो यूं समझ में ना आ रहा कि खिलाड़ी वहाँ मैदान में कंपटीशन लड़ेंगे या पलंग पे हैं? हद कर दी कतई, तभी तो हम कहवे अरे भैया कैसे करोगे। लेकिन फिर एक खिलाड़ी राइस मैकलिन हटा परे को भैया नाम पढ़ लियो अपने आप, मुंह पे ना लिया जा रो जाको नाम। हाँ तो जे बंदे ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो बनाकर डालिया था जिसमें यू बंदरन की तरिया उसी गत्ते वाले पलंग पर कूद रहा है और बता रहा है कि एंटी सेक्स पलंग वाली खबर फेक है। अरे भैया कैसे करोगे तुम लोग, किसी भी बात को उठाकर ट्विटर पर उसकी लहर चला दो। कोई काम धंधा आता है या ना, छोड़ो परे को। चलो अब अगली वीडियो में मिलेंगे। भैया तुम सबके क्या विचार आते हैं कमेंट डब्बे में बता दियो। और जैसे कि तुम सबे पता ही है कि वीडियो को खड़ा अंगूठा दिखानो है और दिखे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो जाते जाते, वरना इन पलंगन ने तुम्हारे घर भेज दूंगा। वहाँ दिखे कर दियो सब्सक्राइब, भगवान तुम्हारा भला करेगो। और घंटे वाले बटन ने भी दबा दियो, वरना आधा ही भला होगो। हाँ चलो ठीक है।